ऐसी चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोकती है, पर आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सहायता करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेंद्र लोकानी, आपके अपने खुद के TFC YouTube चैनल आगरा की ओर से। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी लोग डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कोविड आ गया, दोबारा कोरोना आ गया, दोबारा लॉकडाउन आ जाए, परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? पहली बात, ये दुनिया ना आज से पहले कभी रुकी थी, ना आज रुकी है और ना ही कभी आगे रुकेगी। ये दुनिया कभी नहीं रुकी है, ना रुकेगी। पर इसको अपने दिलों दिमाग में बिठा दो। कई वायरस आए गए चले गए, अपने दिल और दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए, इसको अपने में ढाल लीजिए। ये वायरस, ये लॉकडाउन, ये कोई नया नहीं है, हम पहले भी दिख चुके हैं दो बार, तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए। मैं मानता हूं अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, देख रेख करनी है, सब कुछ मानता हूं, जरूरी भी है, लेकिन अपने और अपने काम को भी ध्यान देना है। वो तभी ध्यान दे पाएंगे जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, अपने अपने आप विश्वास को जागृत रखना है। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम भी वही जीता था जो दिल और दिमाग से जिसने बिजनेस किया था। सबके साथ साथ कोरोना के बीच में आपको हमको कारोबार भी करना है, व्यापार भी करना है, क्योंकि व्यापार है तो घर परिवार सब कुछ है। TFC के साथ में आप इतनी तेजी से रफ्तार बना करके आप दौड़ेंगे कि आप खुद भी सोच नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ऊर्जावान तो बने रहना है। TFC मौका दे रही है इस समय आपको, कोरोना के समय में सोचने, विचार करने का। TFC में आने के बाद जो मुझे हर चीज की क्लियरेंस मिली है, आगे बढ़ने का जो जुनून मिला है, उसकी मैं TFC परिवार को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उस चीज के लिए मोटिव किया है। मैं बहुत चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि हमने वो करना है या नहीं करना है या क्या होगा, ये चीज़ अब मेरे दिमाग से सब चीज़ें क्लियर हैं। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप TFC के साथ रहिए, आगे बढ़िए। लाइफ एक साइकिल है, उसके दो पहिए हैं, एक व्यापार, एक परिवार। अगर आप इन दोनों पहियों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर परिवार का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार से, आपसे ही आपका व्यापार है, और आपका व्यापार है तो उससे आपका और कई लोगों का रोजगार चलता है, लालन पोषण होता है। तो आपको ध्यान भी रखना है, अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने आसपास से जुड़े हुए सब लोगों का। तो इसलिए आपको दिल और दिमाग को और मजबूत करना चाहिए, और बिजनेस पे भी जरूर जरूर पूरा फोकस करके रखिएगा। जैसे अपनी सेहत पे ध्यान रखेंगे, परिवार पे ध्यान रखेंगे, वैसे अपने बिजनेस को पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। पिछली बार भी वही जीता था, उसने अपने टर्नओवर पूरे किए थे, जिन्होंने दिमाग से और दिल से अपने आप को मजबूत किया था, केयर करी थी, देख रेख की थी, खान पान भी रखा था, परिवार की हिफाजत भी की थी, पर क्वालिटी वैरायटी के संग समझौता नहीं किया था। मैं फिर बोलना चाहता हूं, प्रॉपर पूरी वैरायटी रखिएगा। बहुत सालक है, शादियां होनी ही होनी है, ये फुटबॉल बिजनेस ऐसा है, चलना ही चलना है, दौड़ना ही दौड़ना है, लेकिन दौड़ेगा किसका, चलेगा किसका, जिसका वैरायटी रेंज कलेक्शन होगा, माल अच्छा होगा, बहुत हल्का माल नहीं, बहुत महंगा माल नहीं, मीडियम रेट, मीडियम क्वालिटी वाला माल रखना चाहिए आपको, 100% सेल आएगी आपके पास, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं,
हम हमेशा आपके साथ थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।